फर्स्ट अक्टूबर 1854 में अमल में आया था, जिससे 167 ईयर्स हो चुके हैं, 4,16,083 इम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं और इसका सालाना बजट ईयर 21-22 16,528 करोड़ का है। तो इंडिया पोस्ट को पीएम नरेंद्र मोदी अपने चहेते अदानी और अंबानी को बेचना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने यह शर्त रखी कि हम इंडिया पोस्ट खरीदेंगे मगर सिर्फ सिटी का, गांव खेलेगा नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 50 कार्ड का एक पैड है जिसे एक्नॉलेजमेंट कहते हैं और ये 3 रुपए में मिलता है और कोर्ट वगैरह में इसकी ही मान्यता है। अगर कोई रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट पोस्ट लेटर जाते तो इसी की मान्यता है, ये इसकी कॉपी है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया पोस्ट को अपने चहितों को बेच देते तो मुझे पूरा यकीन है ये जो 50 कार्ड का जो पैड है जिसकी कीमत 3 रुपया है ये यकीनन 50 रुपया हो जाती और सिंपल वैसे बोलते कि एक कार्ड की कीमत 1 रुपया। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी जो न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड है अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर महाराष्ट्र स्टेट। एक बार फिर मैं आपसे 4NK न्यूज के बिहाफ में मुखातिब हो रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े से क्या रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद केंजाले वो भी सेफ नहीं थे? जैसा कि ये रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इनके 28 साल लड़के श्रेयस को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फॉल्सली इम्प्लीकेट की ड्रग्स केस में, ट्यूसडे उन्होंने बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज निकाले और उन्होंने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में प्रोड्यूस किए जो कि एलिगेशन था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो एलिगेशन था इनके लड़के के खिलाफ कि उसके पास जून में उसके फ्लैट से ड्रग्स दस्तियाब हुई है, तो इन्होंने कोर्ट में सीसी फुटेज पेश किए। रिटायर्ड एसीपी ये भी कह रहे हैं कि जिस वक्त इनके घर पे रेड कंडक्ट हुई थी तो उस वक्त ब्रीफली जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मौजूद थे मगर पंचनामे में कहीं भी उसका जिक्र नहीं आया। और दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये कह रही है कि हमने जब गोरेगांव फ्लैट में जून के महीने में 21 को श्रेयस के फ्लैट में हमने रेड कंडक्ट करी तो वहां पे हमें 6.8 ग्राम एलएसडी ब्लॉट्स और 300 ग्राम मेरिजोना मिला था, मगर यहाँ पे रिटायर्ड एसीपी इसे फ्लैटली रिफ्यूज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे लड़के को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है इस ड्रग्स केस में। आनंद केंजाले रिटायर्ड एसीपी वो ये कह रहे हैं कि मेरे कुत्ते बहुत ज्यादा अपसेट थे नए फेसेस को देख के, और वो नए फेसेस कौन थे कि आप जानते हैं, एनसीपी के ऑफिसर्स। तो जब रिटायर्ड एसीपी के कुत्ते बहुत ज्यादा अपसेट हुए तो ये रिटायर्ड एसीपी ने उन कुत्तों को बाहर लेके घुमाने लेके गया और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि समीर वानखेड़े वहां मौजूद थे। वो ये कह रहे कि नेक्स्ट डे मेरे लड़के को डिटेन किया गया और ना कोई रीजन बताया गया ना कुछ, मैंने कोशिश किया कि मैं मेरे लड़के से मिलूं, रीजन जानने की कोशिश करूं कि मेरे लड़के को क्यों डिटेन किया, लेकिन इसको कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल आखिर रिटायर्ड एसीपी ने एक ईमेल किया एनसीबी को, उसके आवाज में अननोन फोन आया इनको कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की एनसीबी को मेल करके, तो इसका भुगतान यह होगा कि अब आपके लड़के पे बहुत ही सख्त कदम एनसीबी की तरफ से लिया जाएगा। विक्टिम श्रेयस का ये क्लेम है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिमोलिश द बोनोफाइड्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन पंचनामा। वो ये भी कह रहे हैं कि जो पंचनामा हुआ है 9:30 से 11:30 के दरमियान में वो मेरे फ्लैट में हुआ ही नहीं है, इसलिए वो कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज को खंगाले और उससे देखे कि मेरे फ्लैट में ये पंचनामा हुआ ही नहीं और पंचास कोई थे ही नहीं। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा लेग फ्रैक्चर था एक्सीडेंट की वजह से, मुझे बहुत पेन था, उसके बावजूद एनसीबी के ऑफिसर्स ने इससे कई कागजात पे साइन लिए
और ये पेन से इतना खौफजदा हो रहा था, इतना इसको डर था कि इसने वो महसूस भी नहीं किया कि वो किधर साइन करा, क्या पेपर में साइन करा है, उसमें क्या लिखा हुआ है। और एनसीबी के ऑफिसर्स श्रियास को धमका रहे थे कि अगर तूने साइन नहीं किया तो इस केस में, इस ड्रग केस में तेरी फैमिली मेंबर को भी खींचा जाएगा। जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अगर आपके हाथ में कंगन है तो आरसी, आपको मिरर, आपको आईना देखने की जरूरत नहीं। और जो शख्स पढ़ा लिखा है तो उसको फारसी यकीनन आएगी, वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। तो यहाँ समीर वानखेड़े, जिन पे अभी ये नए नए केसेस उठ रहे हैं, तो अब समीर वानखेड़े को कोर्ट में अपनी मासूमियत जाहिर करना पड़ेगा कि श्रियास का जो केस है, रिटायर्ड पुलिस एसीपी का जो लड़का है, श्रियास का जो केस है, ड्रग्स का जो केस है जिसके अंदर उसको डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो अब समीर वानखेड़े को एक एडिशनल सरदर्द होगा कि अपनी मासूमियत कोर्ट ऑफ लॉ में शो करे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।